देख रहे हैं डीजीएनए न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। अपनी पत्नी को ट्रेन में पानी पिलाना एक पूर्व पार्षद को इतना महंगा पड़ गया कि उसे मरणासन्न स्थिति में पहुंचा दिया गया। बताया जा रहा है कि धीरज कुशवाहा, जो कि पूर्व पार्षद हैं, अपनी पत्नी और छोटी बच्ची को रेलवे स्टेशन लेकर गए थे, जहां उनसे उनकी पत्नी को बिना जाना था। वहीं बेटी के पानी मांगने पर धीरज पानी लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर गया, जिसे वहां पर मौजूद एक टीटी ने टिकट चेक करने के लिए पकड़ा और उसे टिकट मांगने लगा। जब धीरज ने बताया कि वह अपनी पत्नी को छोड़ने आया और उसकी पत्नी के पास टिकट मौजूद है, तो इस पर उक्त टिकट चेक करने वाले ने उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। साथ ही आरपीएफ के एक जवान को भी बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर उसे मारना शुरू किया। आरपीएफ के जवान का मन नहीं भरा तो उसने अपने दो तीन अन्य साथियों के साथ धीरज को टीटी रूम में लेकर गया, जहां उसकी करीब एक घंटे तक पिटाई की गई। युवक बार बार यही कह रहा था कि अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो मुझे सजा दो, मार क्यों रहे हो। इस बात पर आरपीएफ के जवानों ने एवं टिकट चेक करने वाले ने मिलकर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक की हालत बिगड़ने लगी, उसके बाद उसे छोड़ा गया। आरपीएफ कर्मी, जो कि सिविल ड्रेस में थे, उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां से तत्काल उसे वापस लाया गया। वहीं मीडिया के दखल के बाद जीआरपी थाने में लाया गया। धीरज ने अपनी तरफ से शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि आरपीएफ की तरफ से अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा, पर समझ से परे है कि यदि युवक बोल रहा था कि वह अपनी पत्नी को छोड़ने आया है तो उसको इतनी बुरी तरह से क्यों मारा गया। या तो उसका चालान बनाते या उसे जीआरपी थाने के हवाले कर देते। अब देखने लायक होगा कि उन पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। ट्रेन में पटक दिया मुझे। सब भाई उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने ट्रेन में धक्का दे दिया था। धक्का देने से मेरा जो हो गया, और पंकज वाले ने धक्का दे दिया मुझे ट्रेन में। तो बीना जा रही थी अपने मायके, तो है ना मेरे हस्बैंड मेरे को बिठाने आए थे, तो वहाँ पे है ना पानी इसके लिए है ना पानी लेने चले गए। तो वहाँ से फिर मैं फ़ोन लगा रही, वो उनका स्विच ऑफ बता रहा, फ़ोन ही नहीं लग रहा। ट्रेन चलने लगे, ट्रेन में से मैं उतरती तो आदमी लोग ने कहने लगे, रहने भाई मत उतर, बच्ची हैगी साथ में, सामान भी इतना सारा है तेरे पास, मत उतर। आपके टिकट था क्या? हाँ मेरे पास टिकट है ना, वो बैग में रखा। तो किन्होंने मारा आपके पति को? अभी ये जीआरपी वालों ने। मैं अपनी मिसेज को छोड़ने आया था, है तो पानी बाटन भरने जाना था, ठंडे पानी का। तो उधर से आया तो टीसी ने मुझे के हाथ ओके कहा आप रखो, तो वो उसमें से गाड़ी तो मुझे बंगा गया। तो मैंने कहा चलो मैं आपको टिकट दे रहा हूँ, विभाग में दे रहा हूँ मैं पैसे। तो मैंने कहा नहीं, और उनने दूसरे पुलिस वाले को फोन लगा दिया, और पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले आए, उसने मुझे ट्रेन में से धक्का दे दिया। मैंने कहा आप मुझे धक्का दुक्की मत करो, धक्का दे दिया तो माँ बहन की गाड़ी को कुछ पकड़े थे, कहते तेरी गलती दादागिरी सब निकाल देते घर की। मैंने कहा रुको मैं आपको मैं सब बता रहा हूँ, मैं टिकट भी दबा देता, पीछे दूसरे नंबर डब्बे में माँ घर से बैठी हैं, टिकट भी मंगा देता हूँ, टिकट भी हैं सब हैं। उसी टिकट मेरा जेब में था, वो प्लेटफार्म का टिकट है, और उस प्लेटफार्म का टिकट मैंने नहीं मारा, टिकट भी गया। और मेरे 7,030 रुपये थे जेब में, तो उसमें तो 4,010 रुपये मम्मी को दे दिए, और उन्होंने मैं चेयरमैन टीसी के चेयरमैन मारा मुझे कुर्सियों से, उन्हें मुझे घसी 6 जने पुलिस वाले। कौन सी पुलिस थी जो मार रही थी आपको? वो उधर टीसी बैठते हैं ना वहाँ है अंदर, मैं बैठे पुलिस आरपीएफ की थी जीआरपी की थी? जी नहीं थे आरपीएफ बोला अभी नहीं। हाँ तो मैंने कहा आप जा बिना कसू मुझे भांग है, चेयरमैन जो टीसी बैठते हैं ना वहाँ कुर्सी हो, हमारा गर्दन वही है, गर्दन पर हाथ रख के घसीट के गया पंगेट भागम पे। आप फुटेज देख सकते हो, पंगेट भागम फुटेज होगी या कुछ होगा तो आप देख सकते हो, ये गर्दन पर हाथ रख के 6 जने मुझे गए थे पंगेट भागे। जब झूमा लटकी हुई पंगेट भागों की, 2 वर्दी में थे, एक काली टी शर्ट में पहना था, और वैसे थे, और मतलब 6 थे या 6 जने, 2 टांग पकड़े थे, 2 जने हाथ पकड़े थे, बीच में घसीट के गया। कुछ आरपीएफ वाले एक व्यक्ति को यहाँ पकड़ कर लाए थे, जिसके सिर आँख पर चोटें थी। उसने बताया कि मैं
ट्रेन मतलब ग्वालियर भोपाल पे अपनी पत्नी को बिठाने प्लेटफॉर्म पे आया था, हाँ बिना जाने के लिए पत्नी को बिठाने आया था। पत्नी को बिठाकर मैं पत्नी के लिए पानी लेने प्लेटफॉर्म पे गया, पानी लेकर आ रहा था तो उस टाइम पे कोई टीसी जो सिविल में था उसने मुझसे टिकट का पूछा। मैंने कहा कि भाई मेरा हाथ में ये पानी की बोतल और सामान है, या तो आप ये रख लो या मैं प्लेटफॉर्म टिकट बताता हूँ। इतने पर वो कहने लगा नहीं तू भाग जाएगा, और इस तरह से वो शायद उसका कहना है कि ट्रेन पर खड़ा था, उसने मुझे ट्रेन पर ऊपर खींच लिया। उसके बाद है तो कहने लगा कि तू भाग जाएगा, तेरे पास टिकट वगैरह नहीं है। पीछे से एक ड्रेस वाला जो आरपीएफ का बैच लगाया था उसने मुझे मारा, प्लेटफॉर्म पे नीचे गिरा दिया, और फिर टीसी ऑफिस में ले जाके चार छः लोगों ने उसके साथ मारपीट की है, जिसमें दो आदमी ड्रेस में थे, चार आदमी सिविल में थे। बाद मारपीट करने के मुझे आरपीएफ थाने पर ले जाया गया, जहाँ करीबन आधा घंटा तक मुझसे पूछताछ हुई। उसके बाद मेरी बहन आई, बाद में कुछ पत्रकार लोग आए, और जब भीड़ इकट्ठी होने पर वो लोग मुझे यहाँ तुम्हारे थाने पर लेके आए। इस तरह से उसने घटनाक्रम बताया, एक लिखित आवेदन दिया, जिस पर से आवेदन पर इसमें कार्रवाई कर रहा हूँ। पहले उसका मेडिकल उपचार कराना था, जो उसके लिए आवेदन के बाद मेडिकल में साहब अभी अभी इतना तो हम पढ़ नहीं सकते, पर हमारा जी हाँ छोटे तो लिखी उन्हें एक्सरा भी कराया है। कोई गंभीर चोट नहीं, अब ये मैं नहीं बता सकता साहब, ये अंग्रेजी में लिखा है, अब ये गंभीर चोट है साधारण चोट ये तो कोर्ट में ही देखा जाएगा। मुझसे जो कार्रवाई जो इस आवेदन से और इससे जो मुकदमा बनेगा वो कार्रवाई में करवा। युवा कांग्रेस ने शुरू किया युवा रोजगार मांग पत्र भरवाना। युवा कांग्रेस की इस पहल के बाद बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रमाण पत्र भरवाए जा रहे हैं। शासकीय पीजी कॉलेज में इसकी शुरुआत की गई। वहीं पूर्व अध्यक्ष अमित सोनी ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत लगभग 8 से 10 हजार लोगों के रोजगार मांग पत्र भरवाए जाएंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा के आह्वान पर और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद ज्योतिया सिंधिया जी के आदेश पर आज गुना में गुना युवक विधानसभा द्वारा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार फार्म भरना शुरू किया गया है, और लगभग हमारा 8 दिन जो रोजगार फार्म का काम चलेगा, हमारा टारगेट 8 से 10 हज़ार फार्म भरवाने का है। शासकीय पीजी कॉलेज में प्रथम राउंड की एडमिशन लिस्ट आ गई है, जिसके बाद कई लोगों की लिस्ट में नाम न होने के चलते दिए प्रभारी प्राचार्य को ज्ञापन। डीएसओ का आरोप है कि एडमिशन लिस्ट में करीब 274 छात्रों के नाम आए हैं, जबकि सीटों की संख्या 470 से अधिक थी। फिर क्यों मात्र 274 छात्रों के नाम ही आए? छात्र संघ ने इस विसंगति को दूर करने के लिए आज प्रभारी प्राचार्य को ज्ञापन दिया। आज फर्स्ट राउंड यूजी फर्स्ट राउंड की यहाँ पर एडमिशन लिस्ट आई है। इसमें जो पहले कंडीशन थी कॉलेज में बीए अकेले में 474 या 424 सीट्स खाली थी, लेकिन अभी जो भोपाल से जो लिस्ट आई है उसमें मात्र 274 लोगों के नाम आए। तो हमारी जो मांग है छात्र संगठन डीएसओ यहाँ पर हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जब 400 से ज़्यादा सीट्स खाली थी तो उसमें कम नाम क्यों दिए जा रहे हैं? ऐसी स्थिति में जिन बच्चों का जो गाँव से लगातार किराया लगा के आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, वो 3-4 बार परेशान हो रहे हैं लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो परसेंटेज है 70-75% तक लोगों का नाम नहीं आ रहा है।
ये हर क्लासेस में कंडीशंस है। तो आज यहाँ पर उस शिक्षा विभाग के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और मांग की गई है कि जितने भी जो सीट्स खाली हैं उन सभी में बच्चों के नाम दिए, और जो हर बार सीट संख्या बढ़ाई जाती है 25% लास्ट टाइम भी बढ़ाई गई थी उसको बढ़ा करके बच्चों के नाम दिया ताकि सभी लोगों को एडमिशन दिया। पीएचई कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। कर्मचारियों का कहना है कि शासन के द्वारा उनको नियमित करने का आदेश 4 माह पूर्व ही निकाल दिया गया है, लेकिन आज दिनांक तक नगरपालिका द्वारा उन्हें नियमित नहीं किया गया। समस्या जी है, हमारे आदेश आ चुके हैं तो क्या है जो आजकल कर रहे हैं। करीबन कितने लोगों के आदेश आए? हम 46 आदमी हैं। परमानेंट के आदेश आ चुके हैं। अभी तक नहीं हुए हैं? अभी तक हुए नहीं है। तो अभी आपने बात करी? कलेक्टर साहब से बात की है। क्या बोले हैं? सीओमओ साहब को उन्होंने आवेदन दे दिया है, सीओमओ साहब ने बोल दिया मैं करता हूँ। तो आपको कितने दिन हो गए आदेश आए हुए? 3-4 महीने होगा। खेड़ा के ग्रामीण पहुंचे जनसुनवाई में। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम में अभी तक किसी को भी आवास कुटी नहीं मिली है और न ही लिस्ट में नाम आया है, जबकि ग्राम में 150 से अधिक परिवार निवास करते हैं। आवास की मांग को लेकर आज ये सभी कलेक्टर से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास हमारे गांव में नहीं मिली है, अभी ना सूची में नाम है हमारा और अड़ंजा भी नहीं है। और जो बीपी रखी हो रही थी, जो बीपी वेयर गरीबी रेखा वाली जो ये कही जा रही है मोहल्ला में, एक भी रखी नहीं हुई अभी। तो करीबन कितने लोग रहते हैं आप गांव में? सर कम से कम बस्ती में रहते हैं 100-150 आदमी। तो एक की भी नहीं आई कुटी? नहीं, एक भी नहीं आई सर। अभी आपने कलेक्टर साहब से बात करी? हाँ सर, ये दरखास्त। क्या बोले? अभी तो ले ली लिस्ट में नाम भी थी का हमारा एक का नाम नहीं था। थाटीपुर ग्राम के निवासी पहुंचे जनसुनवाई में। ग्रामीण सुनील का कहना है कि थाटीपुर में प्रधानमंत्री आवास के सर्वे नंबर 53 में उसका नाम है। ग्रामीणों का कहना है कि उसे आवास योजना के 1,25,000 रुपए मिल चुके हैं, लेकिन 25,000 रुपए गांव के अन्य परिवारों के खातों में डाल दिए गए। उसने सचिव से जब इस बारे में पूछा कि ये कैसे हुआ तो सचिव का कहना था कि मजदूरी के पैसे हैं, जबकि उसका कहना है कि उसने किसी को भी मजदूरी पर नहीं लगाया, तो फिर कैसे अन्य परिवारों के खातों में ये पैसे चले गए। अपने आवास की शेष राशि पाने के लिए युवक पहुंचा कलेक्ट्रेट कार्यालय। अच्छा, तो पैसा कहाँ गया? पैसा आए 1,25,24,000, बाकी तो ऊपर नहीं आए। शौचालय में नहीं आई, तो किस्त गिरेगा 15,000 रुपये भी नहीं आए। ये पैसा आपका आया ही नहीं है? नहीं नहीं, फिर और कोई खाते में डलवा रहे सचिव सरपंच और किसी के खाते में डलवा रहे। 5,000 रुपये मांगे थे। कौन मांग रहा है? 5,000 रुपये ले लो कहीं। कौन? सचिव। अच्छा, 5,000 रुपये ले लो, मैंने मतलब मना कर दिया। तुम्हें दे रहे थे 5,000 रुपये? हाँ। किस बात के दे रहे थे? ये बाकी नहीं आए ना, इनके 5,000 ले लो, 5 फिर हम बाद में ले। सचिव बोल रहे थे। सचिव का नाम क्या? असलम। संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के शिक्षक बैठे अनशन पर। अतिथि शिक्षकों की लंबित मांगे न मानने के कारण अतिथि शिक्षकों ने किया अनशन प्रारंभ। यह अनशन अनिश्चितकालीन होगा जब तक कि इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हम जो अभी आदेश आया है इसके लिए हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें पूरा अतिथियों को लाभ नहीं दिया गया है, और उसमें जो
चल रहा है, आदेश की प्रक्रिया ऑनलाइन की है, हम इसके विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अप्रैल में आदेश आया था पूर्व अतिथि रखने का, उसी आधार में हम आदेश चाहते, इसलिए हम इस आदेश की प्रक्रिया चला रहे हैं। तो और ये हमारा अनशन चलेगा, बड़ा हुआ मान लीजिए, बड़ा हुआ पूरे मध्य प्रदेश में यह अनशन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बैठी धरने पर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें नियमित किया जाए, उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए दिया जाए। आज अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी, साथ ही जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय आंगनवाड़ी का कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा देश के प्रत्येक जिलों में यूनियन के माध्यम से दिनांक 11/1/2018 को राष्ट्रीय व्यापी धरना भी आहत किया गया था। इसी किया जाकर सलगन परिशिष्ट में उल्लेख मांगों का ज्ञापन पत्र अति शीघ्र इसके निराकरण किए जाने के निवेदन के साथ समझौतों के को आपके माध्यम से प्रस्तुत किया। आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ये धरना प्रदर्शन रखा गया है, पूरे भारत में एक साथ 51 जिलों में एक साथ ये कार्यक्रम रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम आज ये धरना प्रदर्शन करके माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें आपकी क्या मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे हैं सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और नियमित वेतनमान 18,000 किया जाए, सहायिकाओं का 9,000 किया जाए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मेन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बराबर किया जाए, उनके पद पर भी सहायिकाओं की नियुक्ति की जाए। और हमारी स्थानीय मांग एक और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि हमारा जो कार्यकर्ता बहनों का मानदेय आता है वो नियमित टाइम से 5 से 10 के बीच तक नहीं आता है, ये बहुत लेट आता है। तो हमारा निवेदन था, ये मांग हमारी वहाँ तक पहुँचना चाहिए कि 1 से 10 तारीख तक के बीच में हमारा मानदेय जमा। इससे पहले भी आपने ये मांगे रखी थी, आपका क्या निराकरण निकला था? निराकरण पहले कुछ समय ये हुआ था कि हमारी स्थानीय मांग कुछ दिनों के लिए तो उन्होंने मान ली थी, लेकिन इसके बाद फिर से वही रेगुलेटरी चालू कर दी कि 30 तारीख तक मानदेय जमा नहीं होता। आज का जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का ये धरना प्रदर्शन है, ये इनके केंद्रीय संगठन के आह्वान पर किया जा रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर है ये, और अखिल भारतीय स्तर पर हर जिले के जिला मुख्यालय पर है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम से ये ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से दिया जा रहा है। 1975 से ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ कार्यरत हैं, लेकिन इनका जो प्रमुख मांग जो थी वो आज तक पूरी नहीं हुई है, इनको शासकीकरण करने की और नियमित वेतनमान देने की। पिछले महीने जो आश्वासन दिए गए थे उसमें इनका मानदेय में वृद्धि की गई है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, लेकिन इनके शासकीकरण की और मांग वेतन नियमित वेतनमान देने की अभी तक लंबित है। उसी क्रम में ये भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से आज ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। नानाखेड़ी में हुए अंधे कत्ल का हुआ पर्दाफाश, कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई, साथ ही आरोपियों को मीडिया के सामने लाया गया। आपको बता दें कि इसी 3 तारीख को नानाखेड़ी मंडी के पास एक शव मिला था जिसका सर बुरी तरह कुचल दिया गया था। पुलिस द्वारा छानबीन कर इस हत्या के 3 आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा जब पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया। 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। थाना कैंट के अंतर्गत नानाखेड़ी के क्षेत्र में एक अज्ञात लाश मिली थी। दोनों लाश में जो है सर पे पत्थर पटक के उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया था। उसकी लाश की पहचान करी गई सबका काशी नाम का जो व्यक्ति है जो वहीं का क्षेत्र का निवासी है, उसकी पहचान हुई है। और उसमें 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। उसके बाद तीनों की पिछले 1 साल से उससे रंजिश थी, 1 साल पहले उनके पीछे मारपीट हुई थी, जो मामला जो है वहीं दब गया था। और उसके बाद जो है उन्होंने मौका पाकर ये घटना 3 तारीख को उन्होंने अंजाम दिया। उन्होंने उसको पहले शराब पिलाई और उसके बाद उसके सर पर पत्थर पटक मृतक का अभी जल्द से छूट के आया था। अभी कुछ दिन पूर्व जो है मृतक जल्द से छूट कर आया, उस पर भी जो है पूर्व से काफ़ी अपराध कर चुका। सर कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें 3 आरोपी।
10,000 के इनामी पारदी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी गई। कैसे पुलिस द्वारा आरोपियों को दिल्ली पहुंचकर गिरफ्तार किया गया, साथ ही गिरफ्तारी के वक्त बदमाशों द्वारा फायरिंग भी की गई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग कर इन बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक सवाल यहां यह भी उठता है कि दिल्ली की घटना जो बताई जा रही, क्या वहां पर सच में पुलिस द्वारा इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया था? तीस हजार सर इस पे इनाम है पीछे जो। मुखबिर की सूचना मिली थी कि कुछ इनामी पार्टी जो है, जो कि मर्डर के केस में फरार चल रहे हैं, वो वहाँ दिल्ली में मौजूद है। तो हमारी टीम जो है धनाधर थाना प्रभारी पटेल यूएस के निर्देशन में एक टीम गई थी और दिल्ली में जो है काफ़ी मेहनत से दो पार्टियों को हमने पकड़ा है। उसमें से जो है दोनों ही मर्डर के केस में पूर्व से वांछित थे। लगभग दो दो केसेस में मर्डर के जो केसेस हैं उसमें वांटेड चल रहे थे और टीम को प्रोसेस। कितना इनाम है सर पारदी पे जो है, कितना इनाम इन पे? बनवारी पारदी पे 30,000 का इनाम है और जो लखी पारदी सर दोनों पर गोलीबारी के बारे में सुना गया था, वहाँ गोलीबारी हुई है उसमें वहाँ पर जो है पुलिस को अपनी आत्मरक्षा में फायर करना पड़ा था और उसके अलावा जो है वहाँ पे उनको काफ़ी पीछा करना पड़ा। उसके बाद ये क्या सर पहले भी गुना पुलिस को वहाँ पे बैठा भी लिया था, ऐसे कुछ सुनने में आपने यहाँ से कुछ कम्युनिकेट किया था? नहीं ऐसा कुछ नहीं। सर ये कितने चोरी कहाँ कहाँ की हैं, कुछ रिकॉर्ड है इनका सर दोनों? उनके काफ़ी रिकॉर्ड है, काफ़ी जगह डकैती और लूट और नकलचनी में वांटेड भी हैं, सभी जो अन्य राज्य की पुलिस हमें खबर करती है। धनौदा पुलिस को क्या इसमें सम्मान किया जाएगा सर? इसे निश्चित ही जो है टीम को उनके अच्छे कार्य प्रस्तुत किया जाएगा। मकसूदनगढ़ के उकावत चौराहे पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। बाइक पर 3 लोग सवार थे, 2 महिलाएं एवं 1 पुरुष, जिसमें से 1 पुरुष एवं महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक फरार है, ट्रक को पुलिस ने पकड़कर मामला दर्ज कर लिया है एवं शवों को पीएम के लिए मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मरने वाले दोनों रिश्ते में सास एवं दामाद बताए जा रहे हैं। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।